दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण शियाळानी शुरुआत में ज राजधानी वायु प्रदूषण कारण दिल्ली गैस चेम्बर में फेरवाई छे, जेना कारणे सरकारी तंत्रे महत्वनो निर्णय करता धोरण पांच सुधीनी प्राथमिक शाळा में बे दिवस की रजा जाहिर करी छे, जेनो सरकारी और खानगी शालाओं पालन करवू पड़शे। तो बीजी तरफ दिल्ली मेट्रोए 20 एक्स्ट्रा ट्रेन दौड़ावानी छे। गत 25 ऑक्टोबर थी तो दिल्ली मेट्रोए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वधे ते माटे सोमवार थी शुक्रवार सुधी 40 एक्स्ट्रा ट्रेन दौड़ावी ज रही छे। आम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रत्ये प्रोत्साहित थाय ते माटे 60 एक्स्ट्रा ट्रेन दौड़ावशे। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 में संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के भारत में खाद्य विविधता और दरेक वैश्विक रोकाणकार माटे एक डिविडेंड समान छे। आपनी सस्टेनेबल खाद्य संस्कृति हजारों वर्ष की सफलनुं परिणाम छे। खोराक ए मात्र अपना शारीरिक स्वास्थ्य ने ज नहीं परंतु मानसिक स्वास्थ्य ने पण आकार आपनारुं महत्वनुं परिबळ छे। आयुर्वेद में पण संतुलित आहार, स्वस्थ आहार और ऋतु अनुसार आहार की बात करवामां आवी छे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार प्रधान राजकुमार आनंद ने त्या ईडीए 22 कलाक सुधी तपास चलावी थी। राजकुमार आनंद ने त्यांथी ईडी ने शू मळ्युं तेनो हजू खुलासो थयो नथी, परंतु ईडी ने आ कार्यवाही पर प्रधान राजकुमार आनंदे प्रतिक्रिया आपता कहूं कि आ दरोड़ा तो बहाना छे, लोकोने परेशान करवा माटेना छे, आ तमाम तपास प्रायोजित होवानो पण दावो करायो हतो। तेओने मात्र एम ज कहेवायुं हतुं के ऊपरथी आदेश मळ्या छे। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जणाव्यु कि देश संसाधनों पर तमाम लोगोंनो समान अधिकार छे, स्त्रीओ महिलाओं पण अधिकार छे। महिलाओं ने तेमनो अधिकार आपवो मफत वितरण नहीं। लाडली बहना योजना गरीब महिलाओं माटे एक वरदान समान छे। लोकोने अने गरीब व्यक्ति ने सुविधा आपी ए मफत वितरण नहीं। अमारी सरकार आ मतों मेळववा माटे नहीं परंतु देश की अर्धी वस्ती ने न्याय अपावा माटे आ प्रकार की नीति लागू करी छे। एआईएमआईएम सांसदे फरी एक वक्त कांग्रेस पर प्रहार कर्या छे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीए राहुल गांधी पर कटाक्ष करता तेओने मोदी 2.0 गणाव्या अने कह्यु के कांग्रेस नेता राहुल गांधी आव्या हता अने आक्षेप लगावता कह्यु हतु के केसीआरए लोको पासेथी एटला रूपया लीधा छे अने ते परत करे एटले तेओ मोदी 2.0 बनी गया छे। ओवैसीए 2014 पीएम मोदी निवेदन ने याद कर कहूं हतु कि पीएम मोदी 2014 में नागरिक ना बैंक खाता में 15 लाख रूपया जमा करावानो वायदो कर्यो हतो, परंतु 15 पैसा पण आव्या नथी। आज रीते कांग्रेस पण डायलॉग च बोली रही छे। चंडीगढ़ में आरबीआई कार्यालय बहार रूपया 2000 की नोट बदलवा मामले लोकोनी लांबी लाइन लागी हती। रूपया 2000 की नोट बदलवा माटे लोको हिमाचल, हरियाणा अने पंजाब सहित दूर दूर थी चंडीगढ़ पहुंची रहा छे। बैंकों द्वारा हवे रूपया 2000 की नोट बदलवामां आवती नथी। लोको हवे 2000 रूपया की नोट बदलवा माटे देश में आवेला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 19 कार्यालयों बहार लाइन लगावी रहा छे। भारतीय सेनानी कोर कमांडर्स की बैठक में संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह इजरायल हमास युद्ध अंगे सविस्तार विश्लेषण करता कोर कमांडर्स ने सावचेत रहवा जणाव्युं हतुं अने कह्युं हतुं के परिस्थिति एवा तबक्के पहुंची गई छे के ज्यारे गमे त्यां गमे त्यारे न धारेलू बनी शके तेम छे, माटे आपणे सतत तैयार रहेवू अनिवार्य छे। आ साथे जाणवा मळ्युं छे के भारतनी सरहदो पर अणचितव्या हुमला थवानी शक्यताने बरोबर नजरमां राखी भूमिदळे हजारो करोड़ रूपियानी किंमतनी आपत्तिकालीन खरीदी शुरू करी दीधी छे। भाजपना सांसद मनोज तिवारीए जणाव्युं कि दिल्हीमां प्रदूषणना कारणे केटलाक लोकोने श्वास लेवामां पण तकलीफ पड़ी रही छे। आवी स्थितिमां जो बाळको लांबा समय सुधी घरनी बहार रहे तो तेमने फेफसाने पण तकलीफ हद सुधी वधु नुकसान थवानी संभावना छे। मनोज तिवारीए दावो कर्यो कि दिल्हीना लोकोनुं सरेराश आयुष्य 12 वर्ष सुधी घट्युं छे। दिल्हीमां छेल्ला 8-9 वर्ष दरमियान अरविंद केजरीवालना शासनना कारणे आ स्थिति उत्पन्न थई छे। दिवाळी पहला ज दिल्ली एनसीआर नो आखो विस्तार धुमाणा में छे। शुक्रवार एर क्वालिटी इंडेक्स 464 नोंधायो हतो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम ने लईने समग्र दिल्ली एनसीआर सुधी दरेक जगह धुम्मस जोवा मळी छे। दिल्ली 12 विस्तारों की हवा गुणवत्ता सूचकांक 400 ने पार गयो छे, एटले के ते गंभीर स्थिति में हतो। गंभीर वायु प्रदूषण ने कारण दिल्ली एनसीआर में बिनजरूरी बांधकाम पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम की केस की सुनावी तीजा दिवसे सुप्रीम कोर्टे चूंटी पंच पास की राजकीय पक्षों ने मिलेला भंडोर की माहिती मांगी छे। सुप्रीम कोर्टे कहू कि चूंटी पंचे सप्टेम्बर 30 सप्टेम्बर 2023 सुधी में मिलेला दान की माहिती आपवी पड़शे। सुप्रीम कोर्टे चूंटी पंच ने एसबीआई और राजकीय पक्षों पास की भंडोर विषे संपूर्ण माहिती एकत्रित करने आदेश आप्यो छे। तेमज सुप्रीम कोर्टे चूंटी पंच ने 2019 में आपेला आदेश की याद अपावी हती। छत्तीसगढ़ कांकेर जिला में भाजपनी विजय संकल्प रेली ने संबोधता वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी कहू कि भाजपा संकल्प छत्तीसगढ़ ने देश टोचना राज्यों में लावानो छे। कांग्रेस और विकास वच्चे 36 आंकड़ो छे। ज्यां कांग्रेस होय त्यां विकास थई सके नहीं। घणा बधा पड़कारों सामे लड़ीने भाजपे एक नवी सिस्टम बनावी, परंतु अहींनी कांग्रेस सरकारे भाजप प्रत्ये दुश्मनावट दाखवानुं चालू राख्युं। आ 5 वर्षमां कांग्रेसना नेताओना बंगला अने गाड़ियों जूनो विकास थयो छे। बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे कांग्रेस पर जोरदार हमलो करता कहू कि पटना में योजायेली विपक्षनी बैठक में भारत गठबंधन थयुं हतुं, परंतु आ दिवसों में जोड़ाणनुं कोई काम थई रह्युं नथी। कांग्रेस पार्टी आ तरफ ध्यान आपी रही नथी। तेओ 5 राज्यों में योजानारी विधानसभा चूंटणी में व्यस्त छे। आ दरमियान नीतीश कुमारे केन्द्रनी मोदी सरकार पर पण निशान साध्युं हतुं। नीतीशे कह्युं कि आजे केन्द्रनी सरकारने देश साथे कोई लेवा देवा नथी। तेमणे कह्युं कि भाजप देशना इतिहासने बदलवानो प्रयास करी रह्या छे। विपक्षना सांसदों द्वारा तेमना आईफोन हैक करवाना प्रयास थयानो आरोप मुक्या बाद केन्द्र सरकार हरकत में आई छे। एप्पल कंपनी ने नोटिस फटकारवामां आवी हती। केन्द्र सरकारे कह्युं हतुं के इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोन्स टीम हवे आ मामले तपास शुरू करी रही छे। सीईआरटी इन भारत में हैकिंग और फिशिंग जेवा साइबर सुरक्षा खतरा की जवाबदारी संभाळती केन्द्र संस्थान छे अने तेणे आ मामला ने गंभीरता थी लीधो छे। सर्टिन एलर्ट मोकल्युं हतुं। दिल्ली में लीकर कुंभार ने लईने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पाठवेला समन्स छता आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछपरछ माटे ईडी कचेरीए जवाना नथी। तेओ ईडीना समन्स ने गैरकायदेसर अने राजनीतिथी प्रेरित गणाव्युं अने आक्षेप लगावता कह्युं कि आ समन्स भाजपना इशारे मोकलवामां आव्यो छे, जेथी तेओ 4 राज्यमां प्रचार करी न शके। केजरीवाले वधुमां कह्युं हतुं कि ईडीए तात्कालिक समन्स पाछुं खेंची लेवुं जोईए। हवे ते ईडी समक्ष हाजर नहीं थाय अने पंजाबना मुख्यमंत्री भगवत मान साथे मध्यप्रदेशना सिंगरौलीमां चूंटणी प्रचार माटे रोड शो पण आयोजन कर्युं छे। दिल्लीना आबकारी नीति कौभाड़ सीएम केजरीवाल ने ईडीना समन्स ने लईने भाजप पर आप पर आक्रमक बनी छे अने दिल्ली में भाजपे केजरीवाल विरुद्ध पोस्टर साथे प्रदर्शन कर्युं छे। केजरीवाल सत्य बोलो आबकारी नीति कौभाड़ में मौ खोलो तेम लखेला दिल्ली में पोस्टर लाग्या छे अने आ पोस्टर साथे ज राजघाट पर देखाव प्रदर्शन कर्युं छे अने अरविंद केजरीवाल राजीनामा की मांग करी छे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार प्रधान राजकुमार आनंद ने त्या ईडीए 22 कलाक सुधी तपास चलावी थी। राजकुमार आनंद ने त्या ईडी ने शू मळ्युं तेनो हजू खुलासो थयो नथी, परंतु ईडी की आ कार्यवाही पर प्रधान राजकुमार आनंदे प्रतिक्रिया आपता कहू कि आ दरोड़ा तो बहाना छे, लोकोने परेशान करवा माटेना छे। आ तमाम तपास प्रायोजित होवानो पण दावो करायो हतो। तेओने मात्र एम ज कहेवायुं हतुं कि ऊपरथी आदेश मळ्या छे अने तेने लईने तेओ समय पसार करता रह्या। ईडीनी तपास टीमे लागतू वड़कतू न होय तेवा सवाल कर्यानो पण राजकुमार आनंदे आक्षेप लगाव्यो छे। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी समक्ष कथित शराब घोटाळाना मामले पूछपरछ पहला तपास एजेंसी ने दिल्ली सरकारना वधु एक मंत्री राजकुमार आनंदना घरे दरोड़ा पाड्या छे। ईडी राजकुमार आनंदना सिविल लायसेंस खातेना सत्तावार निवासस्थाने तपास करी छे। दिल्ली सरकारना मंत्री राजकुमार आनंद सिवाय ईडीनी अन्य टीमोए दिल्लीमां अन्य 9 स्थानों पर दरोड़ानी कार्यवाही करी छे। जानकारी मुजब आ दरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले पाड़वामां आव्या छे। दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडीना समन्स पर शिवसेना सांसद संजय राउते जणाव्यु कि विपक्ष पार्टीए एक वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पण समन्स पाठव्या हता। मने पण जेल में मोकलवामां आव्यो हतो अने महाराष्ट्रना अनेक नेताओं ने जेल में धकेली देवामां आव्या हता। एटले देशना जे प्रदेश में भाजप मजबूत हशे अने भारतना जे नेताओं मजबूत हशे त्यां भाजप पार्टी विपक्ष पर तलवार मूकशे। राउते वधुमां कह्युं कि भाजप पार्टी समग्र विपक्ष ने जेल में धकेली चूंटणी योजवा इच्छे छे।
તેલંગાણામાં વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષો અને નેતાઓ તો એક્ટિવ છે, આ સાથે સાથે કેન્દ્રીય એજન્સી પણ એક્ટિવ જોવા મળી રહી છે. આવકવેરા વિભાગે તેલંગાણામાં કોંગ્રેસના બે નેતાઓના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ નેતાઓમાં પારિજાત નરસિંહા રેડ્ડી અને લક્ષ્મા રેડ્ડીનું નામ સામેલ છે. પારિજાત રેડ્ડીના હૈદરાબાદ અને રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં આવેલા 10 જેટલા ઠેકાણાઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પારિજાત રેડ્ડી તેલંગાણાની બંદગપેટની મેયર છે. સંસદની એથિક્સ કમિટીની બેઠકમાં હોબાળો થયો હતો. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુવા મોઇત્રાની સાથે વિપક્ષી દળોના સભ્યોએ પણ બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કરી બેઠકના પ્રશ્નો પૂછવાની રીત પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. વિપક્ષી સાંસદોએ કહ્યું કે સમિતિએ મહુવા મોઇત્રાને વ્યક્તિગત અને અનૈતિક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. એક મહિલાને અંગત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા જેથી તેઓએ સંસદમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું. મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠા અનામતની માંગને લઈને આંદોલન ચાલુ છે. મહારાષ્ટ્રમાં પોલીસે રાજ્યમાં ચાલતા આંદોલનને ઉશ્કેરવા બદલ મોટી સંખ્યામાં આંદોલનકારીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધી ધરપકડ કરી છે. મરાઠા આંદોલનકારીઓ સામે કેસ નોંધવા અંગે માહિતી આપતા મહારાષ્ટ્રના ડીજીપી રજનીશ શેઠે કહ્યું કે મરાઠા અનામતને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રદર્શનો થયા હતા. પ્રદર્શન દરમિયાન કેટલાક દેખાવો હિંસક પણ બન્યા, જેને કારણે રાજ્યની સરકારી મિલકતોને નુકસાન થયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા સુશીલકુમાર મોદીએ એક મેગા કાર્યક્રમમાં બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશકુમાર પર સામૂહિક નિમણૂક પત્રો મામલે નિશાન તાક્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 1,20,000 લોકોને બદલે માત્ર 30,000 લોકોને જ નિમણૂક પત્રો વિતરણ કરવામાં આવશે. બાકીના 10,00,000 લોકોને પત્ર આપવાનો ટાર્ગેટ 25 વર્ષમાં પણ પૂર્ણ નહીં થાય. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે નીતીશકુમાર સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે આ નિમણૂક પત્રો આપવા સરકારની સિદ્ધિ છે. સમાજવાદી પાર્ટી 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ઉત્તરપ્રદેશની 65 બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારો ઉતરવાની તૈયારી કરી રહી છે. અંદાજે 65 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરી છે. એસપી નેતા ગઠબંધન ભાગીદારો માટે 15 બેઠકો છોડશે, તો સપાની કારોબારી બેઠકમાં પણ આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અમેઠી, રાયબરેલી, ગાઝિયાબાદ, ગૌતમ બુદ્ધ નગર, કાનપુર, આગ્રા, બાગપત, મથુરા, મુંદલશહર, વારાણસી, પ્રયાગરાજ, બાંસગાંવ, દેવરિયા, ઝાંસી, મહારાજગંજ આ તમામ બેઠકો પર ગઠબંધનમાં અન્ય પક્ષો માટે છોડી દેવામાં આવી છે. રાજસ્થાનના સાંધ્વી અને આદિ સરસ્વતી ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. સીએમ અશોક ગેહલોત અને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પ્રભારી સુખજિંદરસિંહ રંધાવાએ તેમનું પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું હતું. જોકે સાધ્વી અને આદિ સરસ્વતી અજમેર નોર્થ સીટ પરથી ચૂંટણી લડી શકે છે. આગામી 25 નવેમ્બરે રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાશે. તે પહેલા બંને મુખ્ય પક્ષો ભાજપ અને કોંગ્રેસ પોતપોતાના જૂથ વધારવામાં વ્યસ્ત છે. કેરળ સરકારે રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રીટ અરજી દાખલ કરી છે. રાજ્યપાલ ઘણા બિલોને મંજૂરી આપતા નહીં હોવાની કેરળ સરકારે આરોપ મૂક્યો છે. રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન પાસે 8 બિલ પેન્ડિંગ છે, જે રાજ્ય વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યા હોવાની અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. બંધારણ અનુચ્છેદ 200 હેઠળ આ બિલ રાજ્યપાલને મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવ્યા, પરંતુ રાજ્યપાલ તેમને મંજૂરી આપી રહ્યા નથી તેવું અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી 3 બિલ રાજ્યપાલ પાસે પેન્ડિંગ છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા મે મહિનામાં રૂપિયા 2,000ની ચલણી નોટ પરત લેવાની જાહેરાત થઈ હતી અને અત્યાર સુધી રૂપિયા 2,097 ટકાથી વધુ નોટ બેન્કિંગ વ્યવસ્થામાં પરત આવી ગઈ છે. જોકે હજુ પણ 10,000 કરોડના મૂલ્યની રૂપિયા 2,000ની નોટ જાહેર જનતા પાસે પડી છે, આમ રિઝર્વ બેંક દ્વારા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે. ગત 19મી 2023ના દિવસે 2,000 રૂપિયાની ચલણી નોટ પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે રૂપિયા 3.56 લાખ કરોડના મૂલ્યની નોટ સર્ક્યુલેશનમાં હતી. દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ફીમાં 1,100 ટકાનો વધારો કરતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. દિલ્હી યુનિવર્સિટીના અંગ્રેજી વિભાગે તેના પીએચડી અભ્યાસક્રમોની ફી ગત વર્ષે 1,932 હતી, જે હવે વધીને 23,968 નાખી છે. તો આ મામલે વિદ્યાર્થી સંગઠને આરોપ લગાવ્યો છે કે પ્રશાસને વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવા માટે પૂરતો સમય આપ્યો નથી. વિદ્યાર્થીઓને એક દિવસની સમય મર્યાદામાં રકમ ચૂકવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. જોકે યુનિવર્સિટીના એસએફઆઈએ આ પગલાની નિંદા કરતા કહ્યું કે તેનાથી વિદ્યાર્થીઓની ગુણવત્તાવાળા ઉચ્ચ શિક્ષણ એક્સેસ પર અસર પડશે. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક નીતા અંબાણીએ મુંબઈમાં તેમનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. તેણીએ અન્ન સેવા કરીને 3,000થી વધુ
वंचित बाळकों साथे जन्मदिवसनी उत्साहभेर उजवणी करी हती। शाळाए जता 3000 थी वधु वंचित बाळकोए नीता अंबाणी द्वारा पीरसवामां आवती मनोरंजन भेट अने अन्न सेवानो आनंद माण्यो हतो। नीता अंबाणीए परोपकार करीने घणीवार साबित कर्युं छे के बाळको अने महिलाओ तेमना हृदयनी सौथी नजीक छे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने लईने स्थिति वधु ने वधु खतरनाक स्तरे पहुंची रही है। जेमां आजे दिल्ली ना मुकड़ा विस्तार में सौथी वधु प्रदूषण नुं स्तर जोवा मळ्युं। तो सिस्टम ऑफ एर क्वालिटी एंड वेधर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर ना मते दिल्ली में एर क्वालिटी इंडेक्स 343 छे, जे खूब ज खराब हवानी श्रेणी में आवे छे। आ स्थिति में पण दिल्ली में लोग मॉर्निंग वॉक करता जोवा मळ्या हता। दिल्ली अने तेनी आसपासना विस्तारों में छेल्ला केटलाक दिवसथी प्रदूषण खूब ज वधी रह्युं छे, जेने लईने सुप्रीम कोर्ट पण चिंता व्यक्त करी चूकी छे। बधुं मात्र कागळ पर ज थई रह्युं छे, जमीननी वास्तविकता कंईक बीजी ज छे। देवभूमि द्वारका जिल्ला में बनता शिक्षण भवन ना काम में हल्की गुणवत्ता जोवा मळता शिक्षण प्रधाने ते काम तोड़ीने फरी बनावा सूचना आपी छे। शिक्षण प्रधान प्रफुल्ल पानसेरियाए खंभाड़िया ना भंडारिया गामे बनी रहेला शिक्षण विभाग ने आकस्मिक मुलाकात दीधी, तेमज नबळी गुणवत्ता नुं काम जणाता ते काम तोड़ी पाड़वानी सलाह आपी हती अने अधिकारीओनो क्लास लीधो हतो। वीरपुर तालुका विकास अधिकारीए बेभस्त महिला कर्मचारी साथे अभद्र भाषा उपयोग कर्यो हतो। एक तरफ राज्य सरकार महिलाओना मान सम्मान में अनेक कार्यक्रमों करी रही छे, त्यारे आवा अधिकारीओ महिलाओ साथे असभ्य वर्तन करी रह्या छे। टीडीओ ऑफिस में काम करती साथी महिला साथे अभद्र भाषा में वर्तन करी महिला ने नीचे देखाड़ता होय तेवा दृश्यो वायरल थता लोक रोष भड़की उठ्यो छे। बनासकांठा जिला में खेडूतो जाते केनाल सफाई करता वीडियो वायरल थया बाद खेडूतोए मेहनताणु माणवानु बाकी होवानु रटण चालू राख्यु छे। पटासणा केनाल सफाई में कॉन्ट्राक्टरोए खेडूतोने मजूरी चूकवानी होय छे, बाहरथी मजूरो न मळता अने रवि पाकनो समय विलंब थता खेडूतोए जाते सफाई काम हाथ धर्या बाद फरी खेडूतोए सोशियल मीडिया में वीडियो वायरल कर्यो हतो। राज्यनी शाळा में आगामी 9 नवम्बर थी दिवाळी वेकेशन शुरू थशे। आगामी 9 नवम्बर थी 29 नवम्बर सुधी शाळाओं में दिवाळी वेकेशन की रजा जाहिर करवामां आवी छे। राज्यना शिक्षण विभागे शाळाओं में कुल 21 दिवसनुं दिवाळी वेकेशन जाहिर कर्युं छे, एटले 29 नवम्बरे बाद शाळाओं में बीजा सत्रनुं शैक्षणिक कार्य शुरू थशे। सूरत पालिकाना आठवा झोन में बे लांची अधिकारीए 40,000 की लांच लेवाना केस में बन्ने अधिकारी घरे एसीबीए सर्च ऑपरेशन शुरू कर्यु छे। बन्ने अधिकारीओना बैंक खाता अने लॉकरनी पण तपास करवामां आवशे। आ साथे साथे अन्य कॉन्ट्राक्टरो पासे लांचनी मांगणी करी छे के केम ते दिशामां पण तपास करवामां आवशे। सुरेन्द्रनगर में वीज विभाग की कचेरी में खेडूतोए फांसी लईने विरोध नोंधाव्यो छे। जिल्लाना धड़ाजा गाम में वीज विभागे 5 पेढ़ी थी जे लोग मंजूरी करे छे तेमने खेती काम करीने पोतानो जीवन धोरण चलावे छे तेवा लोगोने 1.50 लाख दंड फटकारता खेडूतो रोषे भराया हता, जेने लईने खेडूतोए वीज विभाग की कचेरीए कड़ेफांसो खावा पहोंच्या हता। जामनगर महानगरपालिका की स्टेण्डिंग कमिटी की बैठक में वोर्ड नंबर 10, 11 और 12 में सीसी पेचवर्क काम की दरखास्त पेंडिंग राखवामां आवी हती। चेयरमैन निलेश कगथरानी अध्यक्षस्थाने मनपा स्टेण्डिंग कमिटी की बैठक मळी हती, जेमां बैठक में कुल 95.88 लाख खर्च की बहाली आपवामां आवी हती, जेमां स्पेशल आसिस्टंट फोर कैपिटल इवेंटमेंट भाग एक अन्वय नॉर्थ झोन विस्तार में टीपी स्कीम नंबर 2 प्लॉट 67-1 में हयात स्टेट में आवेला घासचारा रूम में सीसी फ्लोरिंग पाछळना भागे फेंसिंग गेट काम में 29.57 लाख खर्च मंजूर कर्यो हतो। पेचवर्कना काम की दरखास्त पेंडिंग राखवामां आवी हती। चेयरमैन निलेश कगथरानी अध्यक्षस्थाने मनपाने स्टेण्डिंग कमिटी की बैठक मळी हती, जेमां बैठक में कुल 95.88 लाख खर्च की बहाली आपवामां आवी हती, जेमां स्पेशल आसिस्टंट फोर कैपिटल इवेंटमेंट भाग एक अन्वय नॉर्थ झोन विस्तार में टीपी स्कीम नंबर 2 प्लॉट 67-1 में हयात स्टेट में आवेला घासचारा रूम में सीसी फ्लोरिंग पाछळना भागे फेंसिंग गेट काम में 29.57 लाख खर्च मंजूर कर्यो हतो। भुजमां आरएसएसनी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळनी बैठक योजाशे। आजे कच्छ विभाग एकत्र कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं हतुं, जेमां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना 12,000 कार्यकरो जोड़ाया हता। आ तके ध्वजारोहण करवामां आव्युं हतुं, जेमां आजथी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळनी बैठकनो प्रारंभ थशे अने आगामी 9 तारीख सुधी राष्ट्रीय स्वयंसेवकनी आ बैठक चालशे। पोरबंदर जिला में वहीवटी तंत्र की अणावड़त ने लीधे दर्दियों मुश्किल में मुकाया है। वर्षो चालता गायवाड़ी सरकारी दवाखानु बंद करवामां आवता मुश्किल सर्जाई थी।
खरवावाड़ भाटिया बजार गायवाड़ी विस्तार में सूतरवाड़ा सीतला चौक सहित दर्दियों माटे हवे कायमी मुश्किल उभी थई छे। तो त्यौहारों समय रिपेरिंग बहाने तंत्रे दवाखाना ने ताळा मार्या छे। साबरकांठाना हिम्मतनगरनी सिविल होस्पिटलमां भगवान भरोसे होय तेम लागी रह्यु छे, ज्यां एक जागृत नागरिक सारवार लेवा माटे सिविल होस्पिटल पहोंच्यो हतो, परंतु हाजर तबीब सूई रह्या हता। बाकीनो तमाम स्टाफ मोबाइलमां गेम रमता नजरे पड्या हता। आ समग्र मामलो सामे आव्यो। महत्वनुं छे कि सरकार द्वारा करोड़ोना खर्चे बनावेली सिविल सुविधाना नामे मात्र ने मात्र मींडू साबित थई रह्यु छे।